बात करेंगे गरियाबंद की। गरियाबंद में दहेज के लिए शादी टूटने का एक मामला सामने आया है। दहेज के चलते बिना सात फेरे लिए ही बारात वापस ले जाने का मामला बताया जा रहा है। गरियाबंद कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगला पारा में कुलदीप परिवार की बेटी का विवाह बालौद के दल्ली राजहरा निवासी अनिल तांडिया के यहाँ तय हुआ था। धूमधाम से बारात भी निकल गई, मंडप भी सज गया, लेकिन बरवाला के समय दूल्हे ने दहेज कम होना बताकर आधी रात को बारात समेत वो वापस लौट गया। पीड़ित पक्ष ने मामला लिखित दर्ज कराया और जांच की बात पुलिस करती हुई नजर आ रही है। फिर अब एसपी के समक्ष शिकायत सौंपा गया है। मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द ही कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। गरिया में बीती रात एक बारात दल्ली राजहरा से आई हुई थी और विवाह पूर्व ही वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिस पर से शादी बीच में ही टूट गई और शादी नहीं हो पाई, जिसे दुखी होकर वधु पक्ष ने जो है थाना कोतवाली में आवेदन दिया है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल मेरी मतलब शादी थी और दहेज के सामान देखे अंदर में कम था, इसीलिए मतलब बारात वापस कर दिए और मेरे को चालू सामने बेइज्जत करके बारात को वापस ले गए। उनके ऊपर हाथ भी उठाए थे और काटने शादी करने का भिखारी हो ये सब बोल के कार्रवाई होना चाहिए। और सगाई से शादी तक का जितना खर्चा हुआ है ना, जितना भी है सब मतलब वापस होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली है, पापा तो है नहीं, इतना सब कुछ हुआ है और कहाँ से देगी।